आज हम आए हुए डूंगरपुर उदय विलास, ये प्राइवेट रोड है राजा का महल गप्पा। ये हमारे साथ है अशोक जी, ये बताएंगे क्योंकि मांडवा खापड़ लोकल है यहाँ के, तो इनके बारे में राजा के महल। ये देखिए राजा जो रहते थे, ये इनका प्राइवेट रोड है, काफ़ी प्यारा रोड है। और मैं दिखाता हूँ एक साइड ये पूरा महल है इस साइड, और नदी भी है, नदी नहीं तालाब है, तालाब है, उसको आगे आपको दिखाएंगे। ये प्राइवेट रोड पर हम लोग जा रहे हैं, सागर नाम है जिसका, जिसका गैप सागर बोलते हैं, डूंगरपुर गैप सागर। इस साइड ये है गैप सागर, जिसके बीचों बीच बादल महल है, जिसके बीच बीचों बीच बादल महल है। और विशेष जानकारी या बस मल जी देंगे, एक मिनट होल्ड करेंगे हम गाड़ी। ये नज़ारा आप देख सकते हैं, मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा। ये सामने दिख रहा है, ये जो सामने दिख रहा है, महल है, ये बादल महल है, काफी खूबसूरत। ये सामने बादल महल है और ये नज़ारा देख सकते हैं डूंगरपुर का, काफी प्यारा जंगल है, जो बहुत ही पुराना जंगल है, राजा महाराजाओं का टाइम भी शिकार के लिए जाया करते थे, शिकार के लिए जाया करते थे। आज भी मतलब ये जो रासिंग जी डूंगर डूंगरपुर जो उनके छोटे भाई इनको भी पूरा देखते हैं। पैलेस भी है जो पहले महल हुआ करता था, आज के दौर में फाइव स्टार होटल है, काफ़ी अच्छा होटल है, नदी के अंदर है तालाब। और सामने म्यूजियम है, ये आपको म्यूजियम का दिखाते हैं बाहर से दृश्य। गणेश मंदिर है, बहुत ही पुराना, जो पुराना गणेश मंदिर है। ये सामने महल के बिल्कुल ठीक और ठीक सामने ये महल का ही हिस्सा है, जैन मंदिर बोल सकते हैं, बहुत पुराना जैन मंदिर। और ये म्यूजियम, म्यूजियम का आपको दिखाता हूँ मैं जूम करके। बोला जाता है कि सबसे पहला जो युद्ध में जो प्लेन दिया गया था राजा का, ये उसका है इंजन भी, आप देख सकते हैं इंजन है ये महल का, थोड़ा सा धीरे, ये युद्ध तोप है राज सिंह जी का। और ये पूरा महल का बाहर का दृश्य है, ये सामने आपको प्लेन का पार्ट्स दिख जाएगा, ये इंजन है, प्लेन है, अंदर बहुत सारे हेरिटेज कारें भी आपको देखने को मिल जाएंगी। अंदर आप घूमना चाहे तो 400 रुपये टिकट है, आप घूम सकते हैं पूरा महल, काफ़ी अच्छी यूनिक यूनिक गाड़ियाँ मिल जाएगी। ये प्लेन है, देखा आपको मैं दिखाऊंगा, जो पुराना प्लेन था जो राज दरबार का प्लेन हुआ करता था, ये प्लेन का मैं दिखाता हूँ। अभी म्यूजियम में रखने की तैयारी हो रही है इसको, ये प्लेन, ये देख सकते हैं प्लेन का हिस्सा है। और ये हम प्राइवेट रोड पर भी चल रहे हैं डूंगरपुर राज दरबार रोड पे, और ये राज दरबार के हिस्से का महल है। ये जब राजा महाराजा टाइम में जब भी कोई युद्ध होता था तो ये बहुत ही पुराना मंदिर है, जो यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर है बहुत पुराना, यहाँ पर इनके दर्शन करके और फिर इसके बाद ही कोई भी युद्ध करने के लिए जाते थे, तो यहाँ पर इस मंदिर के अंदर दर्शन करके फिर राजा वगैरह जाया करते थे। ये बहुत ही पुराना मतलब आप देख सकते हैं पत्थरों से, काफ़ी पुराना है ये, हमें देख सकते हैं पत्थर या शिलाकृति। और इस एरिया को मांडवा बोला जाता है, काफ़ी इस शहर के बीचों बीच बसा हुआ जगह है। और यहाँ मैं दिखा रहा हूँ सभी राजाओं की वो जो है बनी हुई है, ये सभी राजाओं द्वारा बनाए गए, देखिए काफ़ी पुराना है, यहाँ देख सकते हैं आप गणेश मंदिर है सामने। यहाँ प्राइवेट रोड अब ख़त्म हो जाएगा, राज दरबार का जो है गणेश मंदिर है, ये भी मंदिर है राज दरबार का, देख सकते पुराने जमाने का जो गेट है कितना सुंदर है, लकड़ी का बना हुआ है और पिलर है। और ये यहाँ तक प्राइवेट रोड था, ये ख़त्म हो चुका है, ये देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा है अभी राजा के। ये मांडवा में हम लोग इंटर कर चुके हैं, ये बैक वाटर है तालाब का, और जब पानी भरा होता है तो बहुत सुंदर नज़ारा होता है।